प्रीवियस सेशन में हमने देखा कि इनबिल्ट मॉड्यूल के साथ कैसे वर्क किया जाता है। इस सेशन में हम देखेंगे कि क्लास एंड ऑब्जेक्ट क्या है, उसको कैसे यूज करते हैं, उसको कैसे डिलीट करते हैं। क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स ऊप्स कंसेप्ट्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड फर्स्ट टॉपिक है। ओके, सो हम लोग इस सेशन में देखेंगे हम क्लास कैसे बनाते हैं, कैसे ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। ओके, उसका यूज क्या है, हम प्रोग्राम के अंदर उसको कैसे यूज करेंगे। ओके, एंड हमने पाइथन को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बोला है, राइट? सो जो काम करना है अगर हम ऑब्जेक्ट के थ्रू करते हैं तो उसके लिए हमें क्लास बनाना पड़ता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट सिर्फ क्लास का ही बनता है, राइट? सो अभी हम आगे चलते। पाइथन इज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। नाउ व्हाट इज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, राइट? जो भी, जैसे मैंने बोला कि जो भी हमें काम करना है वो हम सिर्फ ऑब्जेक्ट के साथ करते हैं। ओके, सो दैट इज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। बट पाइथन इज नॉट अ प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, बिकॉज विदाउट ऑब्जेक्ट्स भी हम सारे काम करते हैं, विदाउट क्लास भी हम करते हैं। सो इट्स नॉट अ प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, राइट? बट वो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप अपने क्लास बना सकते हो, आप ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो और उसके थ्रू आप वर्क भी कर सकते हो। ओके, व्हाट इज अ ऑब्जेक्ट एंड व्हाट इज अ क्लास? ओके, सो ऑब्जेक्ट इज अ सिंपली अ कलेक्शन ऑफ डेटा वेरिएबल एंड मेथड्स फंक्शंस दैट एक्ट्स ऑन दोज डेटा। ओके, एंड क्लास इज अ ब्लूप्रिंट फॉर द ऑब्जेक्ट। सो बेसिकली इसका मतलब क्या है कि हम लोग एक क्लास क्रिएट करते हैं, उस क्लास के अंदर हम डिफाइन करते हैं कि दीज आर दी वेरिएबल्स, उसका वैल्यू अगर है तो हम लोगों ने जैसे इनिशियलाइज कर दिया वैल्यू, देन दीज आर दी फंक्शंस। ओके, सो क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा वेरिएबल्स एंड मेंबर फंक्शंस। ओके, बट जब आपको उन दोनों को यूज करना है तो आपको ऑब्जेक्ट बनाना कंपलसरी है। ओके, सो यूज करने के लिए हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं। नाउ जो हमारा एक ऑब्जेक्ट है वो कुछ डेटा, उसके लिए उस वेरिएबल की वैल्यू कुछ अलग है, फॉर अनदर ऑब्जेक्ट उस वेरिएबल की वैल्यू कुछ अलग है, राइट? सो क्लास हमें वो ब्लूप्रिंट देता है कि इस क्लास का जो भी, फॉर एग्जाम्पल हम कोई स्टूडेंट का डेटा देते हैं, राइट? सो स्टूडेंट के लिए मैंने क्लास बनाया, तो स्टूडेंट का आईडी है, नेम है, देन उसका ईमेल एड्रेस है। सो मैं जब फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट करती हूँ तो वो फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए उस स्टूडेंट का आईडी, नेम, एड्रेस कुछ डिफरेंट रहेगा। फॉर सेकंड स्टूडेंट, जैसे कि सेकंड स्टूडेंट के लिए हमें सेकंड ऑब्जेक्ट बनाना होता है, सो सेकंड ऑब्जेक्ट के लिए उसका आईडी, नेम, एड्रेस सब डिफरेंट होगा, राइट? सो पहले हम क्लास में डिफाइन कर देते हैं कि ये स्टूडेंट के लिए हमें इतनी डिटेल्स चाहिए, दीज आर दी फंक्शंस। ओके, फॉर एवरी ऑब्जेक्ट वी आर क्रिएटिंग अनदर, लाइक वी आर, फॉर एवरी ऑब्जेक्ट हम उसके लिए अलग अलग वैल्यू डिफाइन करते हैं। अब आप कैसे क्लास क्रिएट कर सकते हो इन पाइथन? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे क्लास, क्लास लिखना कंपलसरी है। आफ्टर दैट नेम ऑफ द क्लास, यहाँ पे आप कुछ भी नाम दे सकते हो अपने क्लास के लिए। ओके, उसके बाद होता है कॉलन, सो कॉलन इट्स कंपल्सरी। ओके, कॉलन के बाद आप टैब दे के जो भी लिखते हो वो माना जाएगा कि वो आप उस क्लास के लिए लिख रहे हो। ओके, सो कॉलन के बाद न्यू लाइन में मैंने टैब दिया है। उसके बाद यहाँ पे आता है हमारा डॉक स्ट्रिंग। ओके, दैट मीन्स कि व्हाट इज अ डॉक स्ट्रिंग, मैंने कोई क्लास बनाया है, सो इस क्लास बनाने का पर्पस क्या है? ओके, हम लोग क्या क्या इंक्लूड करने वाले हैं? सो डॉक्यूमेंटेशन जैसा हम कुछ देते हैं, सो वो हम कमेंट में लिखते हैं आफ्टर द कोलन एंड फर्स्ट में। ओके, सो यहाँ पे मैंने दिया कि दिस इज अ डॉक स्ट्रिंग, आई हैव क्रिएटेड अ न्यू क्लास, एंड फॉर एग्जांपल अगर मैंने स्टूडेंट का लिखा है तो स्टूडेंट के लिए मुझे जो भी इंफॉर्मेशन देना है वो मैं अपने डॉक स्ट्रिंग के अंदर लिख सकती हूँ। ओके, उसके बाद आपके वेरिएबल्स एंड मेथड्स होते हैं यहाँ पे पास, सो ये चीज कंपल्सरी है। ओके, बाकी सब ऑप्शनल। ना पास यहाँ पे किया दैट मीन्स नथिंग, बट यहाँ पे आप अपने वेरिएबल्स एंड मेथड क्रिएट कर सकते हो, तो वो कैसे करते हैं वो देखते हैं। यहाँ पे हमने एक क्लास बनाया जिसका नाम दिया है माई क्लास। ओके, और ये डॉक्यूमेंटेशन है,
कि दिस इज माय सेकंड क्लास और वॉट एवर यू वांट टू गिव यहाँ पे आप दे सकते हो। उसके बाद है हमारा वेरिएबल। सो वेरिएबल के अंदर मैंने 10 दिया है, ए वेरिएबल लिया है जिसके अंदर 10 दिया हुआ है। ओके, सो हम वेरिएबल ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। आफ्टर दैट अ फंक्शन। सो टैप करने के बाद यहाँ पे मैंने फंक्शन लिखा है। सो ये फंक्शन इस क्लास के लिए हमने लिखा गया है। सो DEF, द नेम ऑफ द फंक्शन और सेल्फ। ओके, सेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ क्लास फंक्शन। ओके, पहले तो आप यहाँ से पता चलता है कि ये मेरे क्लास का फंक्शन है। ओके, सेल्फ मतलब जो भी उसको करंट ऑब्जेक्ट वर्क कर रहा है वो ऑब्जेक्ट का वैल्यू क्या है वो मुझे देना है। ओके, जैसे कि यहाँ पे कोई मेथड के अंदर मेरा ए वेरिएबल है। सो ए वेरिएबल मेरे क्लास के पास भी है और इनर मेरे फंक्शन के अंदर भी है, राइट। बट मुझे क्या करना है कि मुझे इसका वैल्यू गेट करना है। सो मैं क्या कर सकती हूँ, सेल्फ डॉट ए। ओके, ना जैसे कि दिस होता है जावा के अंदर, वैसे ही हमारा यहाँ पे सेल्फ है। ना जैसे कि मैंने बोला कि मैं अगर यहाँ पे ए को प्रिंट करती हूँ तो वो मुझे इस मेथड का जो ए है उसको प्रिंट करके देगा। ओके, बट आई वॉन्ट टू प्रिंट ए ऑफ माई क्लास वेरिएबल। सो वो सेल्फ डॉट ए लिखोगे तो आपको वो क्लास का वेरिएबल देगा। अगर आपको उसके वैल्यूज एक्सेस करने हैं तो जैसे कि मुझे ये ए करना है, सो मैं करूँगी माई क्लास डॉट ए। ओके, सो ये ऐसे आप अपने वेरिएबल्स को प्रिंट कर सकते हो। नाउ अगर आपको ये डॉक्यूमेंटेशन को प्रिंट करना है, सो माई क्लास डॉट डबल अंडरस्कोर डॉक डबल अंडरस्कोर, इस तरह से आप अपना डॉक्यूमेंटेशन गाइड कर सकते हो। ओके, बट यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि हमारा फंक्शन के लिए अभी कुछ क्यों नहीं है, क्योंकि फंक्शन को कॉल करने के लिए कंपल्सरीली ऑब्जेक्ट होना ज़रूरी है। अगर आप ऑब्जेक्ट बनाते हो तो ही आप उसका फंक्शन गेट कर सकते हो। अब हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं। ओके, सो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट के लिए जो नाम लिखना है वो, और आपको किस क्लास के लिए वो ऑब्जेक्ट बनाना है। जैसे कि मुझे ओबी नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाना है, कौन से क्लास का, तो माई क्लास का, ठीक है ना। ये तो हो गया ऑब्जेक्ट क्रिएट, बट अगर मुझे उसको कॉल करना है तो मैं कैसे करूँगी। सो टू कॉल अ फंक्शन, सो ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन। ओके, और एल्स आप कर सकते हो आपका क्लास नेम, जैसे कि माय क्लास, उसका हमारा फंक्शन था सो डॉट फंक्शन, और उसके अंदर सेल्फ था, दैट मीन्स अ करंट ऑब्जेक्ट। ओके, तो मुझे इस ऑब्जेक्ट के लिए सारी वैल्यू चाहिए। ओके, सो आप ऐसे भी कर सकते हो और लाइक दिस भी कर सकते हो। ओके, बट ऑब्जेक्ट इज कंपल्सरी। नाउ डिस्ट्रक्टर बोल सकते हो आप, राइट। लाइक अगर मुझे उस ऑब्जेक्ट को रिमूव करना है, सो हमारे पास DEL नाम का कीवर्ड है। यहाँ से मैंने ऑब्जेक्ट बनाया। नाउ इस ऑब्जेक्ट की मदद से मैं क्लास के मेंबर्स को एक्सेस कर सकती हूँ, क्लास की प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकती हूँ। बट अगर मैंने लिखा है DEL ऑब्जेक्ट आफ्टर दिस सम ऑफ लाइन्स, ओके, सो उसके बाद अगर मैं ऑब्जेक्ट के लिए फंक्शन या वेरिएबल का यूज करने जाती हूँ तो मुझे एक्सेप्शन थ्रो करेगा। ओके, सो DEL से वो डिस्ट्रक्ट कर देता है अपने ऑब्जेक्ट को। ओके, सो आफ्टर del ऑब्जेक्ट ob योर ऑब्जेक्ट रिमूव्ड फ्रॉम योर नेम स्पेस से वो रिमूव कर देता है। सो इस सेशन में हमने देखा कि क्लास एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है, उसको यूज कैसे करते हैं, उसको डिलीट कैसे करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कि कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर क्या होता है, ऑब्जेक्ट की लाइफ साइकिल क्या है, क्लास एंड ऑब्जेक्ट को प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं।